बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत वेलकम आप सभी लोगों का अपने प्यारे YouTube चैनल HK बायोलॉजी गुरु पर। जैसा कि आपको पता है, बायोलॉजी बाय HK सर आपके सामने लाइव रेगुलर रात 8 बजे तक रेगुलर हम लोग आपके साथ 1 घंटे का समय देंगे, जिसमें आपका टाइम टेबल जो शेड्यूल हमारा बना हुआ बेटा, रात 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक आपको रेगुलर, इसी बीच आपको हम लाइव क्लास 12th NCERT फुल पैकेज के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव रेगुलर क्लासेस के साथ हम स्टार्ट कर दिए हैं। कल हमने लास्ट लेक्चर बताया था, उसी का थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट रह गया था, उसको हम फिर से क्लियर करेंगे। थोड़ा हम बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की, क्लास 12th NCERT या हम मेडिकल नीट या BSc नर्सिंग किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी जो है कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। और इसका बेसिक फंडामेंटल पहले हम समझते हैं, जो पहला चैप्टर है फर्स्ट यूनिट रिप्रोडक्शन, जिसमें 4 चैप्टर आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और उसके बाद हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग जो है, हालांकि टोटल कुल मिला के अगर देखें तो 4 चैप्टर देखते हैं इस यूनिट में, लेकिन हम यहां पर केवल इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं। और अभी हम सिलेबस के साथ साथ कुछ चीजें और आपको लाइव बताएंगे, लेकिन आपके साथ और हमारे बीच में कमिटमेंट होगा कि आप रेगुलर रात 7 बजे आप लाइव हमारे साथ YouTube पे जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और बेहतर से बेहतर हम और क्या कर सकते हैं उसमें आप हमें अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो कि एक बड़ा अच्छा नाम आया है सेक्सुअल का। आपने क्लास 11th में पढ़ा प्लांट किंगडम, जो कि 3rd चैप्टर है। हालांकि अब तो जो नई NCERT है उसके अनुसार 3 ही चैप्टर रह गए हैं क्लास 12th फर्स्ट यूनिट में, रिप्रोडक्शन हटा दिया गया है। लेकिन अगर थोड़ा हम डिस्कस करें 11th के अनुसार, यहां पर एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं देने जा रहा हूं कि ये बेटा रिप्रोडक्शन का 6th टर्म कहां से आया है, इसकी थोड़ा अगर हम बात करें तो यहां पर आपने देखा बेटा कि जो प्लांट किंगडम में ऐसा हम पढ़ते हैं और बताया भी गया NCERT के अनुसार कि जो प्लांट किंगडम है इनको दो बेटा कॉन्सेप्ट में डिवाइड किया गया, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। पहला जो ग्रुप्स है बेटा, जिसको हम कहते हैं क्रिप्टोगैम, क्रिप्टोगैम या क्रिप्टोगैमी, और दूसरा है बेटा फिनरोगैमी। अच्छा, क्रिप्टोगैम और फिनरोगैमी, जो कि हम 6th टर्म की बात कर रहे हैं, प्लांट में ये टर्म आया कैसे, क्रिप्टोगैम को फिर से डिवाइड किया गया थैलोफाइटा और बेटा ब्रायोफाइटा, और 3rd बेटा टेरिडोफाइटा, और फिनरोगैम को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, जिसे हम बेटा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म कहते हैं। अगर आप लोग रेगुलर हमें YouTube चैनल पे प्यार देंगे तो मैं इसकी प्रॉपर स्लाइड बना करके आप लोगों को फ्री नोट्स भी देने का काम करूंगा। थैलोफाइट
थैलस लाइक स्ट्रक्चर, चूंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मैं मेन पॉइंट पे ही आऊंगा बेटा, थैलोफाइटा में ऐसा कोई नाम नहीं था जहां पर कोई सेक्स जैसी बात बोली जाए। बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरू होती है एंजियोस्पर्म से, क्योंकि एंजियोस्पर्म आल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट, ये ऐसे प्लांट हैं जहां पर फ्लावर पाए जाते हैं, और फ्लावर एक बेटा सेक्स ऑर्गन है, इसीलिए हम इसका नाम दे रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो ये बात एंजियोस्पर्म में बता दी गई थी क्लास 11th में, बट इसका डिटेल अब हम अध्ययन कर रहे हैं क्लास 12th में। अब सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेटा फ्लावर है, जो फ्लावर है इसको हम सेक्स ऑर्गन कह रहे हैं, इसीलिए सेक्स ऑर्गन कहा हमने, क्योंकि ये बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है। बड़ी अच्छी बात है, नीट में कई बार पूछा भी गया क्वेश्चन है कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें जो मेल सेक्स है जिसे हम एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं, जिसकी यूनिट स्टेमन है, अभी हम आगे बताएंगे इसको, सबसे पहले एक क्वेश्चन है, सबसे पहले बेटा जो है किस वैज्ञानिक ने ऐसा टर्म दिया कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है, ये एक साइंटिस्ट हमारे थे एनग्रू, इन्होंने सबसे पहले बताया। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि भाई स्टेमन भी प्लांट में एक मेल सेक्स की तरह काम करता है, ये एनग्रू जी ने बताया। और एक दूसरे साइंटिस्ट थे बेटा जिनका नाम था जैकॉव, जैकॉव कैमराइरस, जिसने सेक्सुअली सेक्सुअलिटी प्रॉपर्टी बताई थी प्लांट में। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर बोर्ड के आधार पे आप देखेंगे तो वहां पर ये क्वेश्चन थोड़ा रेयर हो जाता है। अंडरस्टूड। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं एक फ्लावर की, बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा। फ्लावर को हमने सेक्स ऑर्गन कहा और इसके पास बेसिकली चार पार्ट होते हैं बेटा जिनसे ये मिल करके बना होता है। वैसे तो फ्लावर की फिजियोलॉजी और उसकी अगर मॉर्फोलॉजी देखोगे तो बहुत बड़ी है, उस चीज को बताने का कोई मतलब नहीं है, कंपटीशन लेवल में नहीं पूछा जाता, और ये तो शुरुआत से चला आ रहा है कि फ्लावर का इस्तेमाल हम लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा करते हैं और करते आ रहे हैं और करेंगे। चार चीजों से मिलकर के एक फ्लावर बना होता है, इसका जो पहला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं बेटा कैलिक्स, और जो दूसरा पार्ट होता है उसका नाम होता है बेटा कोरोला, और तीसरा पार्ट जो है बच्चा उसे हम कहते हैं एंड्रोसियम, और चौथा पार्ट जो है बेटा उसे हम कहते हैं गैनोसियम। अब यहां पर जो बेटा कैलिक्स और कोरोला है ये एसेसरी पार्ट हैं, ये फ्लावर में पाए तो जाते हैं बट रिप्रोडक्शन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करते। कैलिक्स जो है फ्लावर के बेटा आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, सबसे बाहर की ओर पाई जाती है, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट, या हम ये कह सकते हैं फर्स्ट एसेसरी वर्ल जो कि प्लांट में फ्लावर के रूप में पाया गया, और इसका बेटा जो कलर होता है जनरली वो ग्रीन होता है। ये फोटोसिंथेसिस करने में जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करता है प्लांट के लिए, और इसकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है उसको हम बेटा सेपल कहते हैं। यहां पर दो टर्म अभी हम आगे बताएंगे, एक टर्म है गैमोसेपाइलस और एक टर्म है पॉलीसेपाइलस। ये दोनों टर्म वो हैं जिस समय ये सारे के सारे सेपल या तो फ्री होंगे या तो जॉइंटेड होंगे, उनके लिए टर्म यूज किए जाते हैं। तो कैलिक्स आउटर मोस्ट कवरिंग है, ग्रीन कलर का होता है,
और इसकी यूनिट सेपल होती है। इसका काम क्या होता है? इट परफॉर्म प्रोटेक्शन ऑफ द फ्लावर, ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। अंडरस्टूड? बहुत अच्छे। दूसरा बेटा इसका जो कॉन्सेप्ट है, दूसरा जो पार्ट है वो कोरोला है, जिसकी स्ट्रक्चरल यूनिट बेटा होती है वो है पेटल। और ये सेकेंड वर्ल है। ये फ्लावर में पाया जाना जरूरी तो है बट आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये बेटा ग्रीन नहीं हो सकता है, ये कलरफुल होता है, कलरफुल होता है, अर्थात ये कई कलर में पाया जा सकता है। रेड हो सकता है बेटा, पिंक हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, देर आर सो मेनी काइंड ऑफ कलर एक्सेप्ट ग्रीन। एक क्वेश्चन है यहां पर, अगर आपको बेटा पता है तो जल्दी जल्दी हमें कमेंट करके बताएं, कलरेशन ऑफ पेटल ड्यू टू विच पिगमेंट, वो कौन सा पिगमेंट है जिसकी वजह से कोरोला या पेटल कलर्ड दिखाई देते हैं? प्लीज क्विकली एनीवन, मैं स्क्रीन पे नजर डालूं, कोई बात नहीं है। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, कार्तिकी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अरे वाह, डन 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 डन, क्या बात है। एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन इज द काइंड ऑफ पिगमेंट विच परफॉर्म कलरेशन ऑफ कोरोला। ये कोरोला का कलर प्रोवाइड करने में एंथोसाइनिन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से, हालांकि इसका पूरी जिम्मेदारी प्लास्टिड लेता है, कलर्ड प्लास्टिड। अब बात करते हैं बेटा थर्ड पॉइंट की, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ये दोनों बहुत आवश्यक हैं फ्लावर के लिए। अगर एंड्रोसियम और गाइनोसियम नहीं होंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए अब हम थर्ड बेटा बात करेंगे एंड्रोसियम की। इतनी बात समझ में आई? बहुत अच्छे। अगर सारी बातें समझ में आ रही तो बच्चा मेरे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी करिए, और हाँ अपने बच्चों को शेयर कर दीजिए, उन सभी बच्चों को शेयर करिए जो बच्चे क्लास 12th या नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम उनके लिए बेहतर, बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म कर पाए। बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। एंड्रोसियम थर्ड पार्ट है बेटा, और इसे हम मेल सेक्स ऑर्गन कह रहे हैं, मेल सेक्स ऑर्गन कह रहे हैं। इसके जो यूनिट है बेटा दैट इज कॉल्ड स्टेमन। स्टेमन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एंड्रोसियम। अगर हम एक स्टेमन की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है बेटा, दिस इज स्टेमन, ये स्टेमन है, और इसके अलावा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है यहां आप देख पा रहे होंगे, एक छोटा सा हमने स्ट्रक्चर बनाया है बेटा, ये सिंगल स्टेमन है, अ सिंगल स्टेमन, जिसका ऊपर वाला हिस्सा बेटा बाइलोब्ड होता है, बाइलोब्ड होता है, जिसे हम एंथर कहते हैं, द कॉल्ड एंथर। बड़ी अच्छी पॉइंट है, बड़ा अच्छा पॉइंट है बेटा यहां पर, एंथर को हम इसे बाइलोब्ड कह रहे हैं और डाइथिकस कह रहे हैं और टेट्रास्पोरिंजिएट कह रहे हैं। हालांकि स्टेमन आल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरो, माइक्रो स्पोरोफिल भी कहते हैं इसे। तो इसका पहला पार्ट हो गया बेटा एंथर, और सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, एनसीईआरटी की लाइन है, लोअर सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिलामेंट। और एक पॉइंट और हम बताएंगे जो कि एनसीईआरटी में मिस है, एंथर और फिलामेंट के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, वो इस
फिलामेंट और एंथर को बेटा ज्वाइन करने का काम करता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कनेक्टिव। दिस इज कंप्लीट स्ट्रक्चर अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या हम कह लें मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावर। अब इसको डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तब हम आपको बेटा बताएंगे कि इसके अंदर से किस तरीके से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, जिस प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर बात होगी बेटा। नेक्स्ट बेटा फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, गाइनोसियम। गाइनोसियम, गाइनोसियम बेटा फोर्थ पार्ट है, और ये फीमेल फीमेल सेक्स ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। इसे हम फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं, और इसकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है बेटा, इसकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है उसे बेटा हम कार्पेल या पिस्टल कहते हैं। अब ये जो कार्पेल या पिस्टल है वो कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है जो कि आपके सामने है बेटा। दिस इज अ सिंगल कार्पेल। ऊपर वाला बेटा स्ट्रक्चर जो होता है इसे हम स्टिग्मा कहते हैं, और ये वाला पार्ट बेटा स्टाइल होती है। वो वाली दादा स्टाइल नहीं, रास्ते पे जा रहे हैं स्टाइल देख करके, हाय दादा काश मिल जाता इन जाति, वो वाली स्टाइल नहीं है। ये स्टाइल स्ट्रक्चर है, और बेटा ये लोअर स्ट्रक्चर जो स्वालन पार्ट दिखाई दे रहा है जिसे हम ओवरी कह रहे हैं, और ओवरी इस थैलमस के ऊपर, थैलमस के ऊपर सस्टेन होती है। हालांकि जब हम ऊजेनेसिस आगे पढ़ेंगे जिसे हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं, वैसे ऊजेनेसिस टर्म मेल रिप्रोडक्टिव कहते तो बेहतर रहता, यहां पर हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मेल के लिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और फीमेल के लिए बेटा मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ये हमने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल सेक्स ऑर्गन हमने बताया। ये सारे पार्ट हमने एक कॉन्सेप्ट में आपको बेहतर समझाने के लिए बात किया, जो कि एक फ्लावर के बारे में, एंजियोस्पर्मिक फ्लावर के बारे में बताया है हमने। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इसके आगे की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, लेकिन हां क्लास छोड़ने से पहले आप प्रॉमिस करिए रेगुलर हमारे साथ आएंगे लाइव 7 बजे, और आपको कोई भी डाउट होता है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमें कमेंट करिए कि इसमें हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या सुधार कर सकते हैं, और अगर आपको इससे भी बेहतर चाहिए तो आइए बक्सी तालाब विद्या कैंपस, हमारा ऑफलाइन सेंटर जो कि डिजिटल मोड में पूरी तरीके से ओपन हो चुका है आपके लिए। हम बेहतर से बेहतर क्वालिटी और बेहतर से बेहतर क्वालिटी एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं। आइए मिलिए, और बेहतर कम से कम प्राइस में हम आपको बेहतर बेस्ट फैकल्टी और बेस्ट क्वालिटी के साथ एजुकेट और क्वालिटी देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल ठीक 7 बजे ठीक इसी YouTube चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।